शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी फॉर ब्लेसिंग मी फॉर दिस सत्संग। मेरे इसके ज़्यादा बहुत मेरे को हिम्मत जुटानी पड़ती है सत्संग करने के लिए, यहाँ खड़े होकर सबके सामने बात करने के लिए बड़ी हिम्मत जुटा के मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। वैसे पार्टियों पुटियों में सबसे ज़्यादा बोलता हूँ, बट यहाँ पे आके मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है, कहाँ पर होता हूँ। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो सबसे पहले मैं अपना सत्संग शुरू करूँगा कि हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी विद गुरु जी। I got connected with Guruji in 2017. I was going through some very bad phases of my life. तो जनरली क्या होता है कि जब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो या तो तुम अपने गलत चीज़ों में चले जाते हो, और या फिर कहते हैं कि चिंता ना करो चिंतन करो। तो कई जो लकी लोग होते हैं वो चिंतन में लग जाते हैं, उनको गुरु अपने पास बुला लेते हैं। तो मेरे साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ, मैं बहुत बुरे फेस से चल रहा था और ऑलमोस्ट गलत रास्ते पे चलने लग गया था। बट उसी टाइम पे मेरे को सोनी आंटी मिली और उन्होंने बोला कि आप गुरुजी के मंदिर आओ और मतलब आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो मैंने आना शुरू किया। तो पहले तो गुरुद्वारे बचपन से जाते रहते थे, तो शब्द गुरबानी थोड़ा बहुत सुनते थे। तो जब यहाँ आया तो शब्द गुरबानी चल रही थी, बड़ा अच्छा लगा। और बट बैठ भी गया वहाँ पे, और पर क्या हुआ जब एंड में जब जैसे मैं आप सत्संग कर रहा हूँ तो तब भी सत्संग होते थे तो वो मेरे को बड़ा अजीब लगा। तो एंड मैंने तो सोनी आंटी को तुमने पूछा कैसा लगा आपको, तो मैंने कहा बाकी को ठीक लगा बट ये खड़े होके लोग ऐसे मतलब कौन से गुरु हैं जो जिनको ऐसे मतलब चाहिए होता है सुनने के लिए लाइक ना। तो उन्होंने समझाया नहीं है, तो लाइक सब अपने अपने शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस। तो बट मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैं हंसी मजाक बना के चला गया। तो फिर उन्होंने दोबारा वही बुलाया कि आओ आप दोबारा आओ, फिर मैं आया, फिर मेरे को वही अजीब लगा, फिर मैं चला गया। तो तीसरी बार उन्होंने कहा अब मत आना, अब आए मजाक उड़ाने आते हो तो अब आना ही मत इधर। तो फिर मैं काफ़ी महीनों तक नहीं आया। तो फिर एक दिन, वैसे तो पता नहीं शायद मैं ज़्यादा पापी हूँ या व्हाटएवर, मेरे को कभी कोई खुशबू नहीं आई गुरुजी की। मेरे को कभी कुछ वो लोग देखते हैं इधर उधर, कुछ मेरे को वो भी नज़र नहीं आए कभी, और मेरे को कभी सपने में भी नहीं आए। बट आई डोंट नो पापी हूँ या शायद ज़रूरत नहीं है गुरुजी को लगता हो, मुझे नहीं पता। बट उसके बाद क्या हुआ कि 5-6 महीने मैं नहीं आया, तो मेरे को अचानक एक दिन विजन आया सिर्फ गुरुजी का, कोई सपना नहीं आया कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। एक बहुत विजन आया कि बहुत ऐसे बहुत लंबे चौड़े एक गुरुजी वहाँ पे हैं और बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बस इतना ही मेरे को विजन आया। तो मैंने मन में सोचा या तो मुझे कह रहे हैं हम तू मेरे दरबार से ना आई या तू आ जा, तो मुझे समझ नहीं आया। बट उसके बाद फिर मैं लंदन चला गया, मेरा भाई रहता है वहाँ पे। तो लकीली इतनी कैसे कोइंसिडेंटली, आई आई डोंट नो कोइंसिडेंट तो नहीं होते गुरुजी के दरबार में, बट मैं उसकी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी में सारे गुरुजी के शब्द भजन चलने शुरू हो गए जो यहाँ पे मंदिर में चलते थे। तो तब मुझे लगा, और पूरा टाइम वहाँ पे मैं एक हफ्ता था, वो मेरा भाई भी और हम मैं भी बस गुरुजी के भजन सुनते रहे। और फिर जब मैं वापस कर रहे हैं तो आप आना, और मैंने कहा नहीं है मैं तो चल नहीं सकता सॉकर कहाँ से खेलूँगा। तो वो कहते तो अच्छा आके बैठ के देख लियो। फिर मैं गया और वहाँ पे कि टांग में कोई प्रॉब्लम भी है, और तब तक रियलाइज़ नहीं हुआ था कि वो गुरुजी ने तो सुन लिया। और जब मैं वापस आया इंडिया से तब बैठा गुरुजी के दरबार में, तब मैंने कहा वो यार तुम्हें तो टांग गुरुजी ने बिल्कुल एकदम ठीक कर दी। तो सब कहते थे और वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। तो तब मेरा पहली बारी जिस चीज़ का मैं मजाक बनाता था, मैंने उनको बोला कि मुझे सत्संग करना है और मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, क्योंकि तब समझ में आई कि ये सत्संग की वैल्यू क्या है और लोगों को क्या क्या मिलता है और वो कैसे कैसे शेयर करते हैं, और उसी में लोगों को सारी संगत को मैसेजेस भी मिल जाते हैं। तो आज मैं वैसे ना कई चीज़ में भूल जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा लिख के भी लाया हूँ। तो उसके बाद कहते हैं कि लाइक
उस मैं उकटी वाले मंदिर में जाता रहा हूँ, तो वहाँ पे सेवा शुरू में जब मैं आता था तो बड़ी मुश्किल से मिलती थी, तो वहाँ पे ना वो पहनते हैं जो गले में सेवादार, तो बस मैंने गुरुजी को रोज़ मांगता था कि ये गोल्ड मेडल मुझे भी चाहिए, तो मैं मांगता था लिखवाता था रोज़ सेवा के लिए, बट नहीं मिलती थी सेवा। तो मतलब अब मुझे नहीं पता कैसे सेवा कैसे मिलती है, क्या होता है, बट उस टाइम पे सेवा बहुत मुश्किल से मिलती थी, और सेवा की बहुत मतलब छोटी छोटी सेवा की भी बहुत वैल्यू थी मतलब उस टाइम पे। तो मुझे नहीं पता अब कैसे है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, बट मैं एक साल तक कोशिश करता रहा, लिखवाता रहा, नहीं मिली सेवा। फिर एक दिन छोटी सी सेवा मिली, छोटी खैर सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, मतलब रैक्स बाहर और अंदर रखने की सेवा मिली मेरे को, और वो मैंने फिर शुरू करी, और फिर धीरे 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 गुरुजी ने सारी सेवाएं मेरे से करवाई, सारी किचन की, किचन साफ़ करने की, सीवेज साफ़ करने की, रोटियां बनवाने की, हर चीज़ की सेवा धीरे 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 सब मिली मेरे को। तो अभी क्या होता है कि कई बार हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं सेवा को, बट मैं खुद भी ले लेता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम वहाँ खड़े हुए हैं और अपने मन में जब खड़े होते हैं सारी संगत आती है, तुम्हारे को सेवादारों को ना थोड़ा सा अहंकार भी हो जाता है कि लाइक यू नो हम कुछ हैं। तो उसके लिए अब जैसे आंटी ने अभी बोला कि सारे जो हमारे मैसेजेस हैं वो हमें गुरबानी से मिल जाते हैं, तो इसका मैसेज भी मुझे मतलब अच्छा, मेरी बहुत छोटी बुद्धि है, जो भी मैं बोल रहा हूँ मतलब कोई मैं टीचिंग नहीं कर रहा, मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने समझा, मेरी छोटी बुद्धि ने समझा, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे को कई मैसेज मिला कि जब तक तुम बैठोगे नहीं दरबार में, सुनोगे नहीं, तो तुम्हारे को कहीं ना कहीं वहाँ खड़े होके अहंकार आ ही जाता है, तो जब तुम्हें बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी तुम्हारे को पता लगेगा कि कहाँ तुम्हारी गलतियाँ हैं, कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने, अब मेरे को ये था कि लेकिन वो सेवा है तो बैठो कैसे, तो बट उसका ये मैसेज मेरे को एक और भी मिल गया कि लाइक यू नो लेट मी कम बैक टू अमृत वेला, क्योंकि जब भी मैं वहाँ बैठता था, गुरबानी सुनता था और साखियाँ सुनता था हर बारी, वैसे तो गुरु जी कहते देर इज़ नो इस बर्ड, या बहुत सारी संगत ऐसे भी सोचते हैं जो कि किसी कोई टाइम नहीं होता गुरुजी की उस्तत करने का, कोई टाइम नहीं है, किसी भी टाइम पे कर सकते हो, विच इज़ करेक्ट, कभी भी कर सकते हैं, पूरा दिन 24/7 कभी भी हमारा जब भी है मौका मिले हमें करनी चाहिए, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे को जनरली, फॉर मी, आई डोंट नो, आई कैन नॉट टॉक अबाउट एवरीबडी एल्स, बट फॉर जनरली फॉर मी लाइक यू नो नहीं उतना मिल पाता टाइम, तो दिन में या तो कहते हैं कि लाइक यू नो देर आर टू थिंग्स जो मेरे को समझ में आई, एक तो कि तुम्हें नित्यनेम करना, नित्यनेम का मतलब होता है जो तुम रोज करते हो, और एक होता है कि तुम्हें अपना दशवंत निकालना, दशवंत का मतलब होता है कि तुम्हें बाय तुम्हारा जितना तुम कमाते हो उसका 10% तुम्हें अच्छे कामों में डोनेशंस वगैरह में लगाना चाहिए, बट एट द सेम टाइम अपना दशवंत जो है गुरुजी को भी देना है हमने, अपना 10% ऑफ अवर टाइम, नॉट ओनली मनी, 10% ऑफ अवर टाइम ऑल्सो वी शुड गिव इट टू गुरुजी। तो मुझे समझ नहीं आता कि लाइक सिर्फ थर्सडेज या संडेज को जाके कैसे मैं अपना दशवन निकालूंगा गुरुजी के साथ, अपने टाइम 10% कैसे निकालूंगा, मेरे पास और तो टाइम है नहीं। तो उसका भी अमृत वेला में लाइक हम 2-2.5 घंटे जुड़ जाते हैं, उठते ही वो कहते हैं कि तुम जब उठ गए, उठने तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो जाता है, नहाते हुए ये करते हुए तुम सिमरन चला दो, ये करो, तुम्हारा टाइम शुरू हो जाता है, तो नित्यनेम का टाइम शुरू हो जाता है, तो पाठ चला लो जो भी मतलब आते आते, फिर यहाँ पे बैठो, तो मतलब तुम्हारे 2-2.5 घंटे हो जाते हैं, तुम्हारा दशवंत फॉर योर गुरुजी का टाइम जो हमने निकालना है वो जरूरी होता है निकालना, तो वो मेरा निकल जाए। तो मेरे को इसलिए जितना मेरे को समझ में आया इतना मैंने मतलब उसमें से समझा, क्योंकि हम जब बैठते हैं तो गुरबानी सुनते हैं और साखियाँ सुनते हैं, हर साखी में अमृत वेले का नाम हमेशा बहुत आता था। तो अब कई बार होता है मैं भी दिल्ली गया, तो मेरी मतलब नकली पंजाबी कहते हैं दिल्ली वालों में, पंजाबी भी हूँ, बट मुझे भी पूरी साखियाँ समझ में नहीं आती थी पंजाबी की, बट जब हम अमृत वेला में सुबह आते हैं तो वो रिंकू वीर जी की साखियाँ चलाते हैं जो हिंदी में होती हैं, तो मेरे को समझ में आनी शुरू हुई कि जो हम रेगुलर सत्संग में सुनते हैं उसके सारे मतलब समझ में आने शुरू हुए। और इसलिए लाइक ये बहुत 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 बड़ी गुरुजी ने दाद दी कि
सेवा दी, सिमरन दिया, नितनेम दिया, अमृत वेला दिया, हेल्थ दी, वेल्थ दी, जितनी भी मतलब मेरे को जितनी जरूरत है उतनी मेरे पास है। तो जितनी गुरु जी ने बहुत कृपा करी हुई है। पहले क्या होता था, हमें तो शुक्राना भी करना नहीं आता था, मतलब हर चीज़ में लगता था कि लेकिन कि वो वाई मी। अब अभी पीछे एक डेढ़ महीना पहले मेरे बेटे वो गया था ना ट्रैम्पलिन पार्क में, तो उसकी टांग टूट गई, उसकी तीन हड्डियां टूट गई और उसको रॉड डली, उसकी सर्जरी हुई। और मैं बड़ा काम था, बहुत काम, मतलब मेरी सारी फैमिली पैनिक हो रही है, सब हो रहे हैं, ये वो लग गई, ये मैं काम। अब वो पूछे तू इतना काम कैसे है, मैंने कहा उसका सर भी तो फूट सकता था, उसकी पीठ भी तो टूट सकती थी, टांग टूट गई जुड़ जाएगी ठीक हो जाएगा। पर मैं शुक्राना कर रहा था गुरुजी को कि थैंक यू गुरुजी, कोई बड़ी बल्ला से आपने हमें बचा लिया। मतलब ये कहते हैं वो 90% अपने ऊपर लेते, 10% वो हमें 10% पे बचा लिया। कुछ बड़ा हो सकता था, जो मतलब कुछ भी हो सकता था, वी डोंट नो वहाँ से गिरने के बाद। और बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स वहाँ हो रहे थे जो मतलब प्लेजेंट नहीं थे, और तो मेरे को मुँह से शुक्राना ही निकला। तो रोज़ यहाँ पे आके जो हम बैठते हैं, सुनते हैं, करते हैं, अमृत वेला में बैठते हैं, बस शुक्राना। और दूसरी बार मेरे को समझ आया कि बस अपनी हमें नहीं पता होता है कि हमने दिन में कितनी गलतियाँ कर दी हैं, कितना क्या कर दिया हुआ है। तो बस माफ़ी मांगता हूँ और शुक्राना करता हूँ। और सॉरी मेरे को ना कई चीज़ें भूल जाता हूँ, एक बार फ्लो में बैठा। अच्छा, और इसी के ऊपर मतलब मेरे को एक बात और कहनी थी, लाइक हम जैसे जो मेरे को समझ में आई यहाँ पे आने के बाद कि जैसे हम लोग अपनी लाइक जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हम अपनी कमाइयाँ करते हैं, बैंकों में डालते हैं, तो जो यहाँ आते हैं उसकी भी हमारी ये कमाई है, समझ लो लाइक हम ले दिन में 2 घंटे 3 घंटे लगाए हैं, वो हमारी कमाई है, वो हमारा बैंक बैलेंस है। बट हमारे खर्चे भी हैं बहुत सारे, जैसे हम किसी की बुराइयाँ कर देते हैं, हमें अहंकार हो जाता है चीज़ों का, गुस्से आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो वो हमारी सारी वो है, खर्चे हैं हमारे। तो अब हमें अगर हमारा कमाई अगर 1 रुपये की नहीं है और खर्चा 2 रुपये की है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो जब से आना शुरू किया एटलीस्ट इतना होता है कि चलो कि लाइक ना अगर हमारी कमाई हो रही है, खर्चे भी हो रहे हैं, तो नेगेटिव में नहीं आ रहा। पहले हमारा ये होता था कि हम हमेशा नेगेटिव में ही जाते थे, तो हम हमेशा कोसते रहते थे वाई मी, वाई ऐसे, वाई दैट, वाई। अब क्या हो रहा है कि एटलीस्ट चलो 5 पैसे की कमाई कहीं हो रही है, तो गुरुजी कहीं ना कहीं हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो पहले हमेशा यही रोते रहता था कि लाइक ये क्यों, वैसे क्यों हुआ, मैंने ये क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। बट अब वैसा नहीं होता, क्योंकि थोड़ी बैठे हैं, आ रहे हैं, कुछ अमृत वेला में बैठे हैं, तो कुछ ना कहीं शायद कुछ सेविंग हो रही है, तो शायद अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं, अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। ज़्यादा या कम वो मुझे नहीं पता, किसकी कैसे कनेक्शन होता है, किसका कैसे किसकी कैसी कमाई होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी मेरी कमाई होगी उतना मेरे को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं अमृत वेला में आने के बाद और गुरुजी के दरबार में बैठने के बाद जो हम लोग रोज साखियाँ सुनते हैं, कई बार कई संगत को लगता होगा कि लेकिन ना कि समझ नहीं आ रही है, नहीं आ रहा, बट कोई एक शब्द भी उसमें से कुछ समझ में आ जाता है तो वो एकदम दिमाग में घुस जाता है। जैसे ये सब चीज़ें मेरे को नहीं पता थी, नित नेम क्या होता है या ये क्या होता है, सब यहीं इन्हीं सुन के ही सब समझ में आया है। उसके पहले मेरे को तो कुछ नहीं पता था, लाइक हम तो गुरुद्वारे भी सब लंगर करने ही जाते थे, तो वहाँ मतलब हमें कुछ नहीं पता होता था। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आप जितना आ सको गुरु जी के दरबार में आओ, अमृत वेला में आओ। और हम लोग ने यहाँ पे किलमर में लाइक 24 दिसंबर से एवरी डे हम लोग करते हैं अमृत वेला, यहाँ पे 4:15 से शुरू हो जाता है जब जी साहिब से, और फिर उसके बाद पूरा चलती है साकियाँ और शब्द चलते हैं। तो आप आओ, मेरी तो लाइफ चेंज हुई है, आप भी कोशिश करो आने की और देखो आपकी लाइफ भी कैसे बिल्कुल 180 डिग्री टर्न हो जाती है। तो शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग, थैंक यू संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।